वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ही 11 आप सभी को 11 की ढेरों शुभकामनाएं। पता नहीं मेरे गला खराब हो गया। यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ अपने लिए। आलू, लौकी और टमाटर की सब्जी है। यहाँ बहुत सारे भी बर्तन पड़े हैं क्लीन करने के लिए। और सब लोग बिजी हैं आज बहुत ज़्यादा। दिवाली की सफाई बहुत ज़्यादा होती है। हमें लग रहा है दिवाली की सफाई हर जगह होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम थोड़े से टमाटर आ रहे हैं, इसको ढक के रखेंगे एक मिनट भाई। आके भोग लगा दूंगी उसके बाद। तो गाइस बैठते हैं थोड़ी देर। मैं सोच रही मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी हो रही है मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे रखा है मूंगफली, तो मैं थोड़ी सी मूंगफली भी खा लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। और आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हुई है। इतना बड़ा घर नहीं होना चाहिए गाइस, बहुत बड़ा मेरा घर है। बहुत परेशान हो रहे मतलब दिवाली में पता चलता है, दिवाला निकलता है, दिवाली में पता चलता है कि बहुत बड़ा मेरा घर है। वैसे तो जगह कम पड़ जाता है, बट अभी के टाइम में लगता है कि छोटा होना चाहिए। वही यहाँ पे चाय बनी रखी हुई है, मैं गर्म कर लेती हूँ और थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। और आज सुबह मतलब पूजा थोड़ा लेट से किए थे। पूजा आज मेरा हुआ था, आज पूजा हुआ था 3:30 बजे, क्योंकि बहुत सारा काम था। और मैं गई थी छत पे, लैट्रिन बाथरूम उसे मैंने क्लीन किया। वहाँ की टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने उस पर थोड़ा सा हार्पिक वगैरह डाल के मैंने उसे क्लीन किया। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ की यूज़ नहीं होती और वहाँ की एक जो है टूटी चू रही है, पानी गिर रहा, तो उसमें से सब पीला पीला हो गया था, तो वो रगड़ने में थोड़ा टाइम लग गया। और अभी यहाँ पे मैं बना रही, बन जाएगा, इसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया और कैसा बना है। तो चाय गर्म कर लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे चाय ले लिया है। चाय थोड़ी सी ब्लैक हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम का हो गया, 2 घंटे का हो गया चाय। और यहाँ पे मूंगफली खा लेते हैं, भूख लग रही है आज पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैंने कटपिट किया तो छिलके भी बहुत सारे पड़े। अब आदत नहीं इतना काम करने की, और काम करो तो बहुत ज़्यादा थका लगता है। आज लाइट कमाल की, लाइट नहीं जा रही है। बहुत ज़्यादा कल था संडे को 11 और 2028 को मंडे को था। हम लोग मंडे वाला बनाए रखे फास्ट और वो जाओ संडे को। ये वाला कान वाला मैंने पहना है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, अच्छा लगता है पहनने में क्योंकि पता भी नहीं चल रहा है। और बाकी मुझे नहीं पसंद है, मैं सोच रही हूँ गोल्ड का कुछ छोटा छोटा लेने के लिए, क्योंकि मुझे हैवी नहीं पसंद और हैवी है भी बहुत सारे मेरे पास। छोटे जो है मेरे पास गाइस वो मतलब माइक से मिला है गिफ्ट, तो वो मतलब ठीक है, मीडियम अपने मन पसंद करता है, बढ़िया डिज़ाइन देखिए अच्छा था, मैं खुद से खरीद लूँ। तो मैं लूँगी गाइस, मैं दिखाऊँगी आप सबको, हो सकता है दिवाली में ले लूँ। अगर नहीं ले पाए तो मैं बाद में लूँगी, क्योंकि जब भी लिया जाएगा आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस मैं चाय भी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस मैंने बना लिया और खा भी लिया, भूख भी लग गया। और यहाँ पे अभी दूध आया, इसको भी गर्म करके रख दिए हैं। और बच्चों की फरमाइश है, अभी खाना रेडी हो गया था और मेरे हस्बैंड ने खा भी लिया था। और बच्चे लेके आए हैं पनीर और बोल रहे हैं मम्मी पनीर भुर्जी बना के दो मुझे। तो मैं सोच रही बना देती हूँ भाई, बच्चे कह रहे हैं इतने प्यार से मम्मी बना के दो। और सनीस भी आ गया है, तो ठीक है बनाते हैं। और मैंने चाय फिर से बनाई, सबने पिया। यहाँ पे अभी थोड़ी सी रखी है बच्चों के लिए। तनिस और रौनक जिम गए हैं, तो जिम से आ जाएंगे, उसके बाद तब तक इसकी तैयारी कर लेते हैं पनीर भुर्जी की। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में गाइस, जाइएगा कहीं नहीं। हरे रामा रामा रामा। तो गाइस आज
एकादशी है, लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। अदरक भी नहीं है, हरी मिर्च भी नहीं है, कैसे बनाते हैं देखते हैं फिर। तो गैस यहाँ पे मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ आप सबको, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। कौन से साइट से आया है मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ से आपा हो गया। 650 की लिपस्टिक बर्बाद हो गई। लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा आया है और देखने में बहुत अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा है और मुझे चिपचिपा लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा ड्राई चाहिए। तो मेरे साथ हो गया स्यापा, मैं आप सबको वही चीज़ बता रही थी, लेकिन यहाँ आवाज़ में प्रॉब्लम आ गई। आवाज़ आया ही नहीं, मैं बोल गई तो मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ साथ साथ में, लेकिन हो गया मेरे साथ। गैस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, मैंने इसमें बनाया था व्रत वाला और इसमें मैं बना रही हूँ पनीर भुज्जी। तो इसमें डालते हैं पहले थोड़ा सा बटर। गैस बटर भी ख़त्म हो चुका, इतना ही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी। गैस डाल दिया मैंने इसमें बटर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा यहाँ पे हो चुका है, जीरा यहाँ पे हो चुका है, तो मैं डाल दूँ टमाटर और एक हरी मिर्ची थी गाइस वो मैंने डाल दिया है। ना हरी मिर्ची है और लहसुन प्याज डालना नहीं है, अदरक भी नहीं है, तो जो है घर पे उसे बना रहे गाइस। मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और एक हरी मिर्ची। तो गाइस टमाटर थोड़ा हो चुका है, इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, सब डाल दूँगी क्योंकि डालना है इसको, थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, तो गाइस थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, अभी से डालेंगे नमक, यहाँ पे पनीर थोड़ा सा मैश करेंगे। पनीर मैश हो चुका है, डाल देंगे इसमें और गाइस थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गाइज यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए और लास्ट में मैंने डाला है घर का बनाया हुआ गरम मसाला। आपको मैंने देखा होगा हमारी वीडियो में, मैंने घर पे ही मसाला बनाया, मैं मसाला बना के रखती हूँ घर पे सब्जी में डालने के लिए। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी रेडी हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। मेरा तो फास्ट था, मैंने ट्राई नहीं किया, बट बच्चे से मतलब बच्चों से मैंने पूछा था तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी बहुत टेस्टी बना है। और मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मेरे मुँह में भी पानी आ रहा था क्योंकि मैंने नहीं खाया, और मैंने थोड़ा पनीर रख भी दिया था कि मैं कल बना लूँ, अगर मन करेगा तो मैं बनाऊँगी, वरना पकौड़ी बनाऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।